गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन से अगला टॉपिक वृषण को अध्ययन करेंगे। और वृषण, जैसा कि पिछली लेक्चर में हमने बताया था कि मानव जनन के प्रमुख अंग क्या हैं, सहायक अंग क्या हैं, और उसमें उसका पहला पार्ट वृषण कोष के बारे में बताया था। आज उसका अगला टॉपिक है वृषण, यानी कि टेस्टिस, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये वृषण, इसके बारे में, जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें आप जान पाएंगे कि टेस्टिस की परिभाषा क्या है, इसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं, इसका लोकेशन कहाँ है, डिफरेंट, ये अनेक डिफरेंट फिगर हैं, इसके माध्यम से आप इसके फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर, संरचना क्या है, कैसे ये स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, कौन कौन से वो हार्मोन हैं जिनका इसमें निर्माण होता है, वो कौन सी सेल्स है जो हार्मोन्स का, मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करती है, इसके बारे में जान पाएंगे। कितनी टेस्टिस होती हैं, ये डिफरेंट फिगर के माध्यम से आप इसके बारे में अच्छी तरह समझ पाएंगे। और वो मेल हार्मोन जो हैं, उनका बॉडी पर इफेक्ट क्या पड़ता है, उनका प्रमुख कार्य क्या है, इसके बारे में भी डिटेल जान पाएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वृषण की संरचना, टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके पहले टेस्टिस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि एक, अगर टेस्टिस को हम परिभाषित करना चाहें, कि टेस्टिस को एक परिभाषा के रूप में बांटना चाहें, तो बच्चों, टेस्टिस वह संरचना है, यानी वृषण वह संरचना है जो वृषण कोष नामक त्वचा की थैली, वृषण कोष नामक त्वचा की थैली में बंद रहता है, ढका रहता है, और जिसमें से युग्मक निर्माण, यानी कि जनन कोशिका, जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु का निर्माण, इंग्लिश में इसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, यानी युग्मक जनन कोशिका, शुक्राणु का निर्माण होता है, और नर हार्मोन, जिसे हम एंड्रोजन बोलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन, स्पेशली वो टेस्टोस्टेरोन होता है, इसका निर्माण होता है, उसे हम वृषण कहते हैं। सीधे से फिर से दोहरा देते हैं कि वृषण वह संरचना है, मानव या पुरुष का वह प्रमुख जनन अंग है, जो एक स्क्रोटम नामक या वृषण कोष नामक त्वचा की थैली में बंद रहता है, जिसमें से शुक्राणु जनन, अर्थात शुक्राणु जनन कोशिका का निर्माण होता है, और नर हार्मोन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे कि वृषण क्या है। वृषण, फिर से दोहरा दे रहे हैं, वृषण एक वृषण कोष नामक त्वचा नुमा थैली में बंद रहता है, जिसमें शुक्राणु और नर हार्मोन का निर्माण होता है। छोटी सी परिभाषा, वृषण वह संरचना है, उस संरचना, वह संरचना जिसमें शुक्राणुओं एवं नर हार्मोन का निर्माण होता है, उसे हम वृषण कोष कहते हैं। और छोटा सा समझो अगर, तो वह संरचना जिसमें जनन कोशिका, शुक्राणु और नर हार्मोन का निर्माण होता है, उसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। ठीक, तो बच्चों, इसकी संरचना में जान लीजिए कि यह लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर मोटा, एक गुलाबी सा अंडाकार उसकी आकार होता है, और लगभग 10 से 15 ग्राम होता है। यह जोड़े में होता है, स्क्रोटम जो अंडकोश होता है उसमें रहता है, जोड़े में होता है, पेयर में, ठीक है, एक पुरुष में वो जोड़े में होता है। यह मोटे एक वृषण कोष खोल होता है, वृषण खोल होता है, जिसे संपुट या कैप्सूल बोलते हैं, टेस्टिकुलर कैप्सूल से ढका होता है। इसका बाहरी स्तर महीन होता है, जिसे ट्यूनिका वेजिनेलिस कहते हैं, हमने पिछली कक्षा बताया था। और इसके अंदर यह जो है कि जो ट्यूनिका वेजिनेलिस है, ये वृषण को
अधूरा घिरे रहता है, यानी कि चारों तरफ से नहीं घिरे रहता बल्कि आधा ही घिरे रहता है। इसके अंदर का जो भाग होता है वो थोड़ा सा संयोजी तक का मोटा स्तर होता है, जिसे हम एल्बिजोनिया, ट्यूनिका एल्बिजोनिया कहते हैं। यह विषण को चारों ओर से घिरे रहता है। इसी ट्यूनिका एल्बिजोनिया से एक्सेप्टा यानी कि एक दीवार टाइप की अंगुली जैसी रचना निकलती है, और जो कि टेस्टिस के अंदर घुस करके टेस्टिस के अंदर का जो पूरा एरिया है वो भाग को 200 से 300 कभी कभी 400 कोन शेप्ड शंक्वाकार पिंडक लोब्यूल में बांट देती हैं। और इसी जो पिंडक होता है इसमें संयोजी ऊतक में दो या तीन महीन और अत्यधिक कुंडलित सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स यानी शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। इन्हीं नलिकाओं को शुक्रजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस नामक प्रक्रिया होती है। इन्हीं नलिकाओं में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिनमें इसकी नजनन कोशिकाएं शुक्राणु बनते हैं। अब शुक्रजन नलिकाओं के अतिरिक्त जो इनमें होता है इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में, इनमें रक्तवाहिनियाँ होंगी, ठीक है, रुधिर केशिकाएँ, ब्लड कैपिलरीज, न्यूरॉन्स होंगे, नर्व फाइबर और एंडोक्राइन कोशिकाएँ होती हैं। वह एंडोक्राइन कोशिकाएँ जो होती है वो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स का मतलब कि जिसे हम लेडिक सेल्स कहते हैं, लेडिक की कोशिकाएँ बोलते हैं। बच्चों, लेडिक की कोशिकाएँ, ये जो लेडिक नाम पड़ा है ये एक वैज्ञानिक का नाम है, ये एक इटालियन एनाटॉमिस्ट थे, इन्होंने खोजा था इस इंटरस्टिशियल सेल्स को, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया लेडिक सेल्स या सेल्स ऑफ लेडिक, ठीक है, जिसको अंतराल कोशिकाएं कहते हैं। अंतराल कोशिकाएं ये नर हार्मोन का श्रावण करती हैं। नर हार्मोन कई होते हैं, उनके ग्रुप को एंड्रोजन बोला जाता है, जिसमें से एक प्रमुख हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। तो ये अंतराल कोशिकाएं जिसे इंटरस्टिशियल सेल्स या सेल्स ऑफ लेडिक बोलते हैं, वो नर हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन का श्रावण करती हैं, निर्माण करती हैं, जो कि सहायक जनन ग्रंथि एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स और जो द्वितीयक लक्षण होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा योगदान करती हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ ये है, जान लीजिए कि सहायक जनन ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। सहायक जनन ग्रंथियाँ उन्होंने बताया था, प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेस्किल है, और काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड है, ठीक है, ये सहायक जनन ग्रंथियां हैं। तो इनके विकास डेवलपमेंट के लिए ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो नर हार्मोन बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भाग लेते हैं। दूसरा है द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विकास को ये प्रेरित करते हैं, उनको विकास में ये बहुत बड़ा योगदान करते हैं। अब सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स वो है जैसे पुरुषों में दाढ़ी मोछ का होना और मसल्स का फॉर्मेशन, लो वॉइस पिच यानी कि निम्न स्तर, निम्न वॉइस पिच होता है जिससे आवाज़ मोटी होती है, तो ये सब जो है कि सेकेंडरी सेक्सुअल, और इसके बाद प्यूबिस हेयर होता है, फेशियल हेयर, ये सब बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स कहलाते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स में ये भी होता है कि एग्रेसिवनेस जो बिहेवियर आता है, तो ये विशेष रूप से जो नर हार्मोन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसको सिग्नल देता है एज ए स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, जब प्यूबर्टी अवस्था आती है या एडोलेसेंट युवा अवस्था, तब तक ये जो है कि ये सिग्नल देता है हमारे ब्रेन को, जहाँ पर CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहाँ से वो कंट्रोल करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। ऐसे लोगों में जिसमें फॉर्मेशन होता है उसमें एग्रेसिवनेस, पुरुष के लक्षण जो पौरुष लक्षण हैं वो विकसित करने में इसी नर हार्मोन का योगदान होता है। तो बच्चों ये जान गए सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर कौन कौन है, और सहायक जनन ग्रंथियाँ जो प्रमुख आर्गन, प्रमुख जनन अंग है पुरुष का, वो टेस्टी तो है, उसके अलावा जो और आर्गन्स हैं, स्क्रोटम है, सहायक जनन ग्रंथियाँ, सेमिनल वेस्किल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, और बताया हमने बल्बो यूरेथ्रा या जिसे हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं वो, इसके अलावा यूरेथ्रा जैसे और पेनिस, इस सब के डेवलपमेंट के लिए ये मेल हार्मोन बहुत ही बहुत आवश्यक होता है, इसका योगदान होता है, ठीक है। तो अब ये कहाँ से फॉर्मेशन होता है,
ये टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों जैसे ये मान लीजिए कि टेस्टिस है, थोड़ा सा फिगर की बात से बता देते हैं, ये टेस्टिस है। टेस्टिस में जैसे कि ये मान लीजिए कि ये सेप्टा, ठीक है, सॉरी ये फिर से बताते हैं, जैसे ये टेस्टिस है, ठीक है। तो बाहरी का जो आवरण होता है वो टूनिका वेजिनेलिस होता है, और अंदर वाला टूनिका एल्बिजिनिया। टूनिका एल्बिजिनिया से ऐसे ये निकले होते हैं सेप्टा, इसे बोलते हैं सेप्टा, जो इसको कई भागों में पिंडों में बांट देते हैं, ठीक है। इसे ये अब ये जो इसके अंदर जो स्पेस होता है ऐसे, ये सेमनीफेरस, इसी के अंदर ये जो होता है सेमनीफेरस, ये क्वाइल्ड होते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल, ये क्वाइल्ड होते हैं, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स ये क्वाइल्ड होंगे, इसी में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया होती है। अब इसमें जो सेमनीफेरस क्वाइल्ड होते हैं, इसके बीच बीच में जगह जगह स्थान होते हैं जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये क्वाइल्ड है, ये ठीक है, ये जो स्थान है बीच में, ये देखो ये वाला, ठीक है, ये जो स्थान है ये वाला बीच में देख रहे हो, ये बीच में, ये स्थान इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। इसी में सेल्स ऑफ लेडिग, लेडिग सेल्स होते हैं जो कि मेल हार्मोन यानी नर हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन का जो एंड्रोजन कहलाता है, और स्पेशली उसमें से जो प्रमुख है वो टेस्टोस्टेरॉन। वैसे बच्चों एंड्रोजन हार्मोन जो मेल सेक्स हार्मोन है वो कई होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरॉन है और डाईहाइड्रो टेस्ट्रोडियन है, इस तरह से कई हैं, और इनमें से जो प्रमुख है वो टेस्टोस्टेरॉन है। तो इसका प्रमुख कार्य आपने जान लिया कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है, और सहायक जनन ग्रंथियां जो हैं और सहायक जनन अंग जो हैं उनको विकास में इनका काम होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक जो अब सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है, ठीक है, इसके पहले थोड़ा सा एक चीज़ बता दे, मैं भूल रहा था कि जो टेस्टिस है, ठीक है, ये टेस्टिस, ये सिंगुलर नंबर एक वचन होता है, और जब इसको हम कर देंगे टेस्टिस, ठीक है, ये हो गया बहुवचन, ठीक है। तो ये जानते रहे टेस्टिस और टेस्टिस, इस तरह से होता है। तो बच्चों ये जो टेस्टिस है इसका इसका दो फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन ये है कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और दूसरा है क्या, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, यानी कि हार्मोन्स का निर्माण करता है। तो इसको ये याद रहना चाहिए कि टेस्टिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्रमुख रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्यों इसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि यह शुक्राणुओं का निर्माण करता है, जनन कोश का शुक्राणु स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत निर्माण करता है। और कहाँ होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में। तो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत जनन कोशिका यानी कि स्पर्म, जिसे गैमेटोजेनेसिस भी बोलते हैं, मेल युग्मक यानी कि नर युग्मक या मेल गैमेट बोलते हैं, इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए बोलते हैं कि यह मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन, जिसका प्रमुख हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन ये भी है एक एंड्रोजन हार्मोन में। तो इस तरह से डाईहाइड्रो टेस्टोनियन सॉरी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन ये प्रमुख है, ये भी प्रमुख है, जबकि सबसे ज़्यादा प्रमुख है टेस्टोस्टेरॉन। तो बच्चों इसका ड्यूअल फंक्शन है, दो प्रमुख काम है, एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में हार्मोन का निर्माण करना। अब बच्चों इसको आगे चलते हैं।
प्रत्येक जो 75 टेबल्स होता है वो चारों ओर से जो उत्तक की बनी होती है, ठीक है। उस उत्तक को बोलते हैं आधार कला या बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको ट्यूनिका प्रोपेरिया बोलते हैं। इसी कला के अंदर की ओर नलिका की एक उत्पादक जन्य की एपिथेलियम होती है, जिसे हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, वो होती है। और इस एपिथेलियम में, यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक शुक्राणु को बनाने वाली स्पर्मेटोगोनिया और उसको सहारा देने वाली सपोर्टिंग सेल, जिसे और हिंदी में अवलंबन ही बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में शुक्रजन कोशिकाएं, ठीक है, जैसे स्पर्मेटोगोनिया बारंबार विभाजित होती है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया होती है तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो कि कई बार विभाजित होती है, और इसके कारण क्या होता है, कोशिकाओं के कई स्तर बन जाते हैं। तो बाहर की ओर से जो नलिका होती है, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे है गुल, तो किनारे किनारे फिर एक स्तर, फिर एक स्तर, फिर एक स्तर, इस तरह से कई बार विभाजित होती है, तो कई लेयर बन जाते हैं। तो बाहर की ओर से जो होते हैं वो उनको बोलते हैं प्राथमिक शुक्रजन कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके अंदर की तरह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके अंदर की तरह स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्मेटोजोआ जो कि स्पर्म कहलाता है। तो बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिप्लॉयड होती है। अभी इसमें मियोसिस डिवीजन नहीं हुआ, मियोसिस डिवीजन ये बच्चों जान लो कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस कहाँ होगा, गोनेट्स में होगा। तो गोनेट मतलब जननांग। तो ये भी जान लीजिए कि एक टर्म्स और है, गोनेट्स यानी कि नर जनन अंग को गोनेट्स बोलते हैं, फिर और मादा जनन अंग को भी गोनेट्स बोला जाता है, यानी गोनेट्स मतलब जनन अंग, प्रमुख जनन अंग। अब नर का जनन अंग जिसे मेल गोनेट्स टेस्टिस है, फीमेल गोनेट्स क्या होगा, ओवरी होगा। तो मेल गोनेट्स यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये हो गया टेस्टिस। तो इस पर जब सेमिनिफेरस टेब्यूल्स कई बार विभाजित होकर के इसमें क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत स्पर्मेटोगोनिया सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और किनारे किनारे जो एक लेयर बन जाती है वो कहलाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉयड होती है। ये जानते हैं कि जब भी गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया होती है, चाहे वो मेल में हो चाहे फीमेल में, तो मियोसिस डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि वह क्रोमोसोम्स के सेट को जस्ट हाफ कर देती है, अप्लाइट कर देती है फर्स्ट मियोसिस डिवीजन, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन के एनाफेज स्टेज में। तो ये आगे पहले बता दिया गया है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत जब स्पर्मेटोगोनिया का डिवीजन होता है तो ये डिप्लॉयड होता है, फिर एक बार इसमें एक और विभाजन होगा जस्ट माइटोसिस की तरह से, माइटोसिस की तरह से, तो वो बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी ये डिप्लॉयड है, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा तो ये हैप्लॉयड हो जाएगा। इसके बाद फिर स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो ये जो ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस में जो जननी एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम होता है, यही इसी में होता है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। दूसरा, अभी आपने देखा कि जो इसमें एक अवलंबन यानी कि सपोर्टिंग सेल्स होता है, सपोर्टिंग सेल्स का मुख्य काम है कि वो इन कोशिकाओं जैसे स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड्स, इसको सपोर्ट, एक सहारा देती हैं, अपने आप में सहारा। जैसे कि मान लीजिए ये इस तरह से होती हैं, ये इस तरह से होती है, तो इसमें ये सहारा देती हैं, ठीक है। ये इस तरह से ये होता है, ये मान लीजिए हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये हो गया सेकेंडरी, हो गया ये स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड जब होगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, स्पर्म का रूप धारण करने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया अवलंबन देने वाली यानी कि सपोर्टिंग सेल्स जिसे बोलते हैं। तो बच्चों ये हो गया, अब थोड़ा सा सपोर्टिंग सेल्स अवलंबन के बारे में और जान लेते हैं। यह जो संख्या में तो कम होती है लेकिन आकार में बहुत बड़ी बड़ी होती है, स्तंभी होती हैं। इन्हीं को उपचारक या सर्टोली सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औपचारिक या सर्टोली सेल्स। और सर्टोली सेल्स का प्रमुख काम है नर्सिंग करना, किसका, यही जो डिवीजन हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजोआ, इनको जो है नर्स का काम करती, पोषण का काम करती हैं।
इसी को हम बोलते हैं सेल्स ऑफ सर्टोली, या कभी कभी इसको सब टेंटाकुलर सेल से बोलते हैं, राइट। तो ये सर्टोली सेल्स, ये भी जान लीजिए एक सर्टोली सेल्स क्यों नाम पड़ा, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, ये इटालियन साइंटिस्ट हैं, इटालियन साइंटिस्ट थे सर्टोली और ये सर्टोली के नाम से थे, और इन्होंने ये विशेष रूप से इनकी योग्यता, ये फिजियोलॉजिस्ट और हिस्टोलॉजिस्ट हैं, इटालियन फिजियोलॉजिस्ट और हिस्टोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने इस सर्टोली सेल्स की खोज की, जो कि डेवलपिंग स्पर्मेटोसाइट को नर्स का काम करती है, पोषण का काम करती है। इसके अलावा और भी इसके काम हैं, जो कि हार्मोन रेगुलेटर का भी मिलकर के काम करते हैं, तो ये सब इसके काम है, इसलिए आधार पर इनको सर्टोली सेल्स कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्टोली नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। तो ये बच्चों जान गए कि परीक्षा की दृष्टि से सर्टोली सेल्स का कार्य पूछा जाता है कि सर्टोली सेल्स का प्रमुख कार्य क्या है। लेडिक सेल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, जो अंतराल कोशिकाएं बोलते हैं ये लेडिक सेल, ठीक है, सेल्स ऑफ लेडिक, ये नर हार्मोन का श्रावण करते हैं, और पुरुष के सहायक जनन ग्रंथियां के डेवलपमेंट में अपना योगदान करते हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये अक्सर पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हुआ, सर्टोली सेल्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ, तो इसको आप लोग जानते रहिए। इसके अलावा सर्टोली सेल्स का और क्या काम है, जो विकासशील जननी कोशिकाएं होती हैं उनको अवलंबन, सुरक्षा और पोषण तो देती ही हैं, मतलब सहारा देती हैं, सुरक्षा देती हैं, सुरक्षित रखती हैं उसको, और पोषण करती हैं किसको, स्पर्मेटोसाइट सेल को, स्पर्मेटिड्स को, स्पर्मेटोजोआ को। इसके अलावा ये कोशिकाएं जो होती हैं, जो स्पर्मेटिड्स के अंदर, चूँकि ये बाद में स्पर्मेटिड्स लंबा होकर के एक स्पर्म का रूप लेता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है, शुक्राणु जैसा रचना बनता है, तो उसके अंदर जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो साइटोप्लाज्म है कोशिका द्रव, उसको विघटित करती हैं, और एक इनहिबिन नामक प्रोटीन का श्रावण करती हैं। याद रहे, सर्टोली सेल्स एक इनहिबिन नामक प्रोटीन का श्रावण करती हैं, और यह क्या करता है, शुक्राणुओं के उत्पादन को प्रेरित करने वाले जो अन्य हार्मोन हैं उनका रेगुलेट नियमन करता है। बच्चों ध्यान रहे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया, यह सिर्फ एक हार्मोन का इफेक्ट नहीं होता है, मेनली ये जो होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो मेल सेक्स हार्मोन है, नर हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, वो टेस्टिस से बनता है, टेस्टिस में ज़्यादा मात्रा में टेस्टिस से बनता है, और थोड़ी सी मात्रा ये एड्रिनल ग्लैंड में भी बनता है। एड्रिनल ग्लैंड जानते हैं, जो इसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड में थोड़ी सी मात्रा एंड्रोजन बनती है, टेस्टोस्टेरोन जो प्रमुख है, और ज़्यादा मात्रा में ये टेस्टिस में बनता है। इसलिए टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में तो होता ही है, लेकिन महिलाओं में भी ये फॉर्मेशन होता है, कहाँ से, सुप्रारीनल ग्लैंड से, एंड्रिनल ग्लैंड से होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, मेल गैमिट युग्मक जो बोलते हैं नर युग्मक, उसके निर्माण की प्रक्रिया टेस्टोस्टेरोन प्लस हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है एक FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन FSH, और एक होता है LH, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रक्रिया मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, विशेष रूप से पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से, अग्रभाग को बोलते हैं एडनोहाइपोफाइसिस, एडनोहाइपोफाइसिस से 7 हार्मोन निकलते हैं और न्यूरोहाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन निकलते हैं, वो बात की बात है। अभी आप जानते रहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो पूरी होती है, वो पूरी कंट्रोल होती है टेस्टोस्टेरोन और FSH के सामूहिक प्रभाव से, उसमें एक LH भी होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये 3 हार्मोनों का सामूहिक कंट्रोल होता है, जिसके नियमन, जिसके प्रभाव से स्पर्म का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है, टेस्टिस में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से हार्मोन इस शुक्राणुओं के निर्माण में योगदान देते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन,
जो मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ स्रावित होता है? टेस्टिस से। LH भी पिट्यूटरी से होता है। तो इनहिबिन नामक प्रोटीन, सर्टोली सेल जो है इनहिबिन नामक प्रोटीन का श्रावण करता है, जब जरूरत पड़ता है इस प्रक्रिया को रोक देता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को रोक देता है, यानी उन हार्मोनों के प्रभाव जो टेस्टोस्टेरोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, LH हार्मोन है, उनके प्रभाव को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, अब सेमिनिफेरस टिबूल वृषण की सतह के पास से प्रारंभ होकर इसके पीछे भाग की ओर बढ़ती है और कम कुंडलित होती जाती है, और पहुँचते पहुँचते इस क्षेत्र में पहुँचते पहुँचते सीधी होकर एक छोटी सी नलिका के एक घने जाल में खुल जाती है। इस घना जाल जो वह जो घना जाल बनता है उसको रेटी टेस्टिस बोलते हैं या वृषण जालक। ठीक है, इसमें से कई अपवाहक नलिका इफरेंट डक्ट्यूल्स या वासा इफरेंसिया निकलती है और वृषण के पिछले सतह से पर पहुंचकर एक बहुत ही लंबी अधिवृषण जिसे बोलते हैं एपिडिडाइमस नलिका में खुल जाती है। इसकी संरचना देख लीजिए, ये देख रहे हैं, ये है एपिडिडाइमस, ये पूरा का पूरा एपिडिडाइमस, ये एपिडिडाइमस का हेड है, ये टेल है, ये जाकर डक्टस डिफरेंसिया वासा डिफरेंस में खुल जाता है। ठीक है, रेटी डेस्टिस ये लोब्यूल्स हैं। ठीक है, ये लोब्यूल्स हैं जिसके अंदर ये बहुत सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ और फेयर के माध्यम से आप समझिए, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे दिखा रहा है, ये पूरे स्पर्मेटोजोवा या स्पर्म बन रहे हैं, ये पूरा एक लिबुल का स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा एक लिबुल, एक पिंडक जो टेस्टिस के अंदर पिंडक बन जाते हैं उसका है ये। बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया जर्मिनल एपिथेलियम है किनारे किनारे स्पर्मेटोगोनिया, उसके अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर ये स्पर्मेटिड्स लास्ट में, और फिर स्पर्मेटोजोवा, ये देख रहे हैं जो पूंछ जैसे दिख रहे हैं, ये पूरा क्या है, ये है स्पर्मेटोजोवा। ठीक है, तो ये संरचना और क्लियर देख लीजिए, इसको हमने आपको दिखाया था, देख रहे हैं दो जोड़ी टेस्टिस, एक जोड़ी टेस्टिस ये है एपिडाइडिमस। ठीक है, वासा डिफरेंसिया, इसी को बोलते हैं एपिडाइडिमस। ठीक है, इतना। और बच्चों, इस टेस्टिस, दोनों टेस्टिस में ब्लड की सप्लाई होती है जिससे टेस्टिकुलर आर्टरी के द्वारा लेफ्ट, ये राइट वाला है, ये राइट और ये लेफ्ट, राइट टेस्टिस लेफ्ट टेस्टिस में टेस्टिकुलर आर्टरी के द्वारा ब्लड की सप्लाई होती है। ये देख लीजिए फिगर और क्लियर, हम फिगर के माध्यम, फिगर ज़्यादा इसलिए दिखा रहे हैं ताकि फिगर के माध्यम से आप लोगों के दिमाग में हो जाएगा। ये कॉर्डर, एक ये बोलते हैं कॉपर एपिडिडिस यानी कि हेड, एपिडाइडिमिस का ये हेड हो गया और इधर ये टेल होता है। ठीक है, ये टेल दिखा रहे हैं। ठीक, आइए वासा डिफरेंस जो कि यहाँ से स्पर्म को लेकर के जाती है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ से, ये टेस्टिस पूरा दिखा रहा है, इसके जो देखो ये ऊपर जो बना है पीला वाला भाग, ये एपिडिडाइमिस, टूनिका वेजिनेलिस लेयर आउटर कवरिंग, टूनिका वेजिनेलिस, ठीक है, कवरिंग है, इस फिगर में देखिए और क्लियर हो गया है, ये रेटी टेस्टिस, ये देखो जो जाल बना है, ये जाल है, इसी को बोलते हैं रेटी टेस्टिस। ठीक है, और सेमिनल वेसिकल जहाँ पे ये बने हुए हैं सेप्टा, ये देखो ये जो पीला वाला है ये ट्यूनिका एल्बिजिनिया, ये ट्यूनिका एल्बिजिनिया अंदर की आवरण, और बाहर वाला ये जो है इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। ठीक है, ये ट्यूनिका वेजिनेलिस है ये। ठीक है, इसी ट्यूनिका एल्बिजिनिया, ये जो पीला वाला है ये ट्यूनिका एल्बिजिनिया, ये इसके अंदर इसी का भाग होता है जो अंदर अंदर ये बांटता है इसको पिंड में, कई पिंडों में बांट देता है, देखो अंदर अंदर धंसा नहीं, ये और जो कई पिंड बन गए इसी में सेमिनल वेसिकल क्वाइल्ड होते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए इसे और थोड़ा सा और क्लियर फिगर है। ठीक है, देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ये एपिडिडाइमिस,
ये हेड है, ये टेल पोर्शन, ये कई पिंडों में देखो, ये पीला वाला थोड़ा सा ऑरेंज कलर का जो है ये ट्यूनिका एल्बिजूनिया है, जो अंदर तक धंसा है कई भागों में पिंड में, छोटे छोटे लोब, थोड़े थोड़े कक्ष में, कोठरों में, कोठरियों में, थोड़े थोड़े कक्ष में लोब्यूल जिसे बोलते हैं। सेमिनिफेरस ये टेबुल है, इसी सी सेमिनिफेरस टेबुल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, ठीक है, और इसी में पूरा का पूरा शुक्राणुओं का निर्माण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और ये बच्चों ये तो हो गया ये टेस्टिस का पूरा पूरा ये पूरा ये टेस्टिस, ठीक है। ये तो बीच में हो गए सेमिनिफेरस टेबुल्स, ठीक है। इसी बीच इसी सेमिनिफेरस टेबुल्स में जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, अंतराल कोशिकाएं जिसे सेल्स ऑफ लेडी बोलते हैं, वो मेल सेक्स हार्मोन नर हार्मोन जिसे एंड्रोजन बोलते हैं, उसका प्रमुख है टेस्टोस्टेरोन, उसका निर्माण करता है, ठीक है। और लेकिन इस सेमिनिफेरस टेब्यूल्स के अंदर, ये तो इसके किनारे किनारे जो इस सेमिनिफेरस टेब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स होता है, जहाँ पर शुक्राणु बनते हैं वो सर्टोली सेल्स होता है, जिसको आलंबन सहारा, जैसे हाथ में ले करके कोई चीज़ सहारा देना, तो सर्टोली सेल्स उसके अंदर सेमिनिफेरस टेब्यूल्स के अंदर होते हैं। और सेमिनिफेरस टेब्यूल्स के अगल बगल जो जो खाली जगह है ये यहाँ पर सेल्स ऑफ लेडी होते हैं, लेडी सेल्स, ठीक है। जो खाली जगह काला काला दिख रहा है ये खाली जगह, यहाँ पर क्या होते हैं सेल्स ऑफ लेडिंग, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर हो गया, ये पूरी बॉडी, ठीक है, और ये कवरिंग ट्यूनिका वजिनेलिस पूरा, ये सेमिनिफेरस टेबुल्स देख रहे हैं क्वाइल्ड है, कितना क्वाइल्ड है ये पूरा पूरा जाल, रेक्टी विषण जालक जैसे बोलते हैं, रेटी टेस्टिस, ठीक है। यहाँ से सब बन करके स्पर्म जो निर्माण होते हैं धीरे धीरे बन करके, इसी में से फिर इफरेंट वेसल, ये देखिए इफरेंट डक्टल दिखा रहा है ना, ये आकर के पूरा बहुत अधिक क्वाइल्ड होता है, एकदम क्वाइल्ड हो जाता है, जिसे हम हेड ऑफ एपिडिडाइमस बोलते हैं, ये बन जाता है। तो एपिडिडाइमस यहाँ से क्वाइल्ड होते, फिर धीरे धीरे थोड़ा हल्का होते, यहाँ ज़्यादा कुंडलित होता है, धीरे धीरे आकर के फिर ये सीधा हो जाता है बाद में, ठीक है। और ये चीज़ें यहाँ पर, हाँ, इससे और आपको बच्चों समझ में आएगा, ये पूरा आप समझ ही गए हैं फिगर, ये पूरा ये एक टेस्टिस है ये, और इसका जो सेमिनिफेरस टेबुल्स है, एक देखो ये दिखाया है ये बड़ा सा होते हुए कि पूरा का पूरा रचना कैसे ये बड़ी होती है। इसी सेमिनिफेरस टेबुल्स के अंदर देख रहे हैं सेमिनिफेरस ये टेबुल्स के अंदर, ये सेमिनिफेरस इसको ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया है, इसके अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया किनारे किनारे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स, जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया में लेयर का बन रहा है, देखो इसी को ये पूरा इतना बड़ा करके ये दिखाया है ये फिगर में, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए ये पूरा सर्टोली सेल्स, इसी इस सर्टोली सेल्स कहाँ होगा, सेमिनिफेरस टेबुल्स के अंदर, लेकिन लेडिक सेल कहाँ होगा, लेडिक सेल जो होगा सेमिनिफेरस टेबुल्स के अगल बगल जो खाली स्थान होते हैं, जैसे ये खाली स्थान है बाहर तरफ वो होंगे। तो देख लो ये पूरा सर्टोली सेल्स होता है, सर्टोली सेल्स का फॉर्मेशन बताया हमने कि आलंबन सुरक्षा सहारा सहारा करती हैं, सुरक्षा करती हैं और पोषण करती हैं, किसका, स्पर्मेटोगोनिया का, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये जो होते हैं इनका करते हैं। और इसके अलावा और ये बाकी जो कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया हो रही है, ये आगे का टॉपिक है, इसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। ये इसको आपने देखा ही है, तो ये पूरा देख लीजिए, ये यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा सहायक जनन ग्रंथियाँ जो होती हैं, इसमें यूरेथ्रा आ जाएगा, स्क्रोटम आ जाएगा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगा, ठीक है, और कॉपर्स ग्लैंड आ जाएगा, सेमिनल वेस्किल आ जाएगा, देखिए सेमिनल वेस्किल यह है, ये सहायक जनन ग्रंथियाँ जहाँ होती हैं पुरुष में, सहायक जनन ग्रंथियाँ एक है ये देखो सेमिनल वेस्किल, ठीक, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड ये यहाँ से ये पूरा का पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक, और इसके अलावा कॉपर्स ग्लैंड, ठीक, ये समझ गए आप, सेमिनल वेस्किल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड ये, और ये देखिए यहाँ पे ये है
काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। इनके डेवलपमेंट के लिए जो मेल सेक्स हार्मोन है एंड्रोजन वो काफ़ी योगदान अपना करता है। इसके अलावा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मतलब ये यूरिन नली, यूरेथ्रा पेनिस, यूरेथ्रा, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो दाढ़ी मूछ का आना, सीना का चौड़ा होना, आवाज़ का मोटा होना, ये सब बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी के भी कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट बढ़ता है। और दूसरी चीज़ है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के एनाटॉमी, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज जो है प्रक्रिया है बच्चों, जब ये बता रहे हैं इफेक्ट किसका, एंड्रोजन हार्मोन का, यानी कि मेल सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है वो बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के एनाबॉलिज के पर ये को प्रभावित करता है, ठीक है। एनाबॉलिज वह प्रक्रिया जिसमें से कि सिंपल और सरल अणु मिल करके जटिल अणु बनते हैं, तो एनाबॉलिज होता है। और कैटाबॉलिज ठीक इसका उल्टा, जब बड़े और कॉम्प्लेक्स जटिल अणु टूट करके ब्रोकन होकर के छोटे छोटे सिंपल सरल अणु बनते हैं, तो वो कैटाबॉलिज्म होता है। इन्हीं दोनों टर्म्स को, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिलाकर के मेटाबॉलिज्म होता है। ये सभी लिविंग सेल्स में होता रहता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के एनाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है, अपना प्रभाव डालता है। तो ये बहुत सारे इफेक्ट हैं बच्चों। हम आप समझ गए होंगे टेस्टिस का, टेस्टिस को प्रमुख जनन अंग क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पर्म का निर्माण होता है और नर हार्मोन का निर्माण होता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। यह एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है क्योंकि इसमें नर हार्मोन का निर्माण होता है एंड्रोजन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। तो यह टेस्टिस के बारे में आप समझिए, इसका लोकेशन कहाँ होता है, इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। मुख्य रूप से इसका कार्य यही, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह स्पर्म का निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। किस प्रक्रिया के अंतर्गत, स्पर्मेटोजेनेसिस, या इसी को गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। मेल गोनड्स का नाम क्या है, टेस्टिस, मेल गोनड नर जनन अंग टेस्टिस, ठीक। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत यह स्पर्म का निर्माण करता है और एंड्रोजन हार्मोन निर्माण करता है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। तो ये आप बच्चे समझ गए होंगे। जो भी आपके प्रॉब्लम हो और आप होमवर्क मैं दूंगा उसमें आप लोग करिए, और जो भी प्रॉब्लम हो पूछिए। ओके, थैंक यू।